ये एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम फ्रेंचाइजी एंड डीलरशिप एक्सपो के नाम से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे ख़ासतौर पे शहर हैदराबाद के लिए। और यहाँ जब मुख्तलिफ़ लोगों से जो मेरी मुलाकात अभी तक हुई, उनसे मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद, मुझे एहसास हो रहा है कि जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूसरे सिटीज़ हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ और बिजनेस को लेकर, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो हैदराबाद में बहुत कमियाँ हैं। तो मैंने उनसे गुजारिश भी की है कि भाई ऐसा कुछ सेटअप यहाँ भी शुरू हो जाए। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा हमारे इम्तियाज़ भाई को, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है अपने पूरे बाकी सारे साथियों को मिलाकर। बहुत अच्छा मूव है। और मैं यहाँ पर एक बात ये बताना चाहता हूँ, चूँकि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर, इसकी हमने खुद भी स्टॉल लगाई है। और असली तलबीना जो यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, वो भी हम ही से जुड़ा हुआ है। मेरे फर्जंद उसके ऊपर काम कर रहे हैं, चूँकि एक सुन्नत प्रोडक्ट है, इसको हम प्रमोट करना चाह रहे थे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई कि एक अच्छा मूव है और इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, कौन हमारे पास से जो है ना हमारी चीज़ ले रहा है। एक बात तो इसके अंदर पक्की है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और यहाँ से इंशाल्लाह बिजनेसेस ग्रोथ होने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। एक अंग्रेजी में कहावत है, 1000 miles begins with a single step। वो सिंगल स्टेप आज यहाँ नज़र आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ जो चीज़ें जो बताई जा रही है, जो दिखाई जा रही है, ये आगे जाके बहुत इंशाल्लाह फ्रूटफुल रहेंगी। एक और कमिटमेंट मैं यहाँ पर यह ज़रूर करना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एमएस चूँकि एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके अल्हम्दुलिल्लाह 30,000 स्टूडेंट्स शहर हैदराबाद ही में पढ़ते हैं और ओवरऑल पूरे अगर मिलाएंगे तो 35,000 स्टूडेंट्स हैं। हम इंशाल्लाह यहाँ जितने प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स को अपने पेरेंट्स में प्रमोट करेंगे, ताकि हमारे पेरेंट्स भी अवेयर हो हमारे अपने इन प्रोडक्ट्स से, और कल के दिन उनको इन चीज़ों में से कोई चीज़ अगर लेनी हो तो उनके दिमाग में एक थॉट इसका भी आए कि भाई ये चीज़ भी हम कर सकते हैं। और हम एक ऐसा मॉडल भी प्लान कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स हमारे पास जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हम उन पेरेंट्स के प्रोडक्ट्स को अपने स्टूडेंट्स में, अपने पेरेंट्स में प्रमोट करना चाहते हैं, ताकि हमारा अपना क्लाइंट मजबूत भी हो और वो दूसरों को भी जो है ना सपोर्ट करने वाला बन जाए। ये इस किस्म से हमारे दिमाग में कुछ बातें चल रही है। और अभी बातों बातों में हमारे इम्तियाज़ भाई भी एक बात बता रहे थे कि 8 साल की उम्र से या 8 क्लास की एज से बच्चों को बिजनेस माइंड सेट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो हम बिजनेस माइंड सेट बच्चों का बनाने के मामले में जो इम्तियाज़ भाई के जहन में बात है, वो मेरे जहन में पहले आती थी, इस किस्म से कंस्ट्रक्टिव नहीं थी, लेकिन मैं यहाँ पे कमिटमेंट करना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट इम्तियाज़ भाई के पास है बच्चों के अंदर बिजनेस माइंडसेट पैदा करने का, उसके मामले में हम इंशाल्लाह इम्तियाज़ भाई एंड टीम को पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। बात मेरी ख़त्म करते वक्त मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.